गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कल रात को कितने बजे, आठ साढ़े आठ बजे हम लोग यहाँ पे आए, और आगे जाने के लिए नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग को होटल्स वगैरह दिख रहे, तो हम लोग ने यहाँ पे एक होटल रेंट पे ले लिया, 2 रूम 1200 रुपये में। सो उसके बाद डिनर विनर करके सो गए, थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया, सुबह उठ के भी एडिटिंग करके ब्लॉग अपलोड किया। अभी 12:08 हुए और यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं लेह के लिए। लेह से पहले हम लोग करेंगे वॉर मेमोरियल, और बीच में जो भी जहाँ पे जगह मिलेगा वहाँ पे रुक के फ़ोटोज़ खींचेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग अभी निकल रहे हैं वॉर मेमोरियल के लिए। सो ये रूम मिला था यहाँ से, एकदम हाईवे के बाजू में ही है ये रूम, 600 रुपीज़ पर नाइट। सो काफ़ी बड़ा है। साढ़े 12 हो रहे हैं और यहाँ से द्रास से हम लोग निकल गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए। तो उसके बाद कारगिल में देखेंगे, कारगिल में अगर कुछ रुकने जैसा रहेगा तो रुकेंगे, वॉर मेमोरियल तो करना ही है, और उसके बाद हम लोग लेह के लिए निकलेंगे। लेह के लिए यहाँ से 5.5 घंटा दिखा रहा है मैप पे विदाउट एनी हॉल्ट। सो थोड़ी कारगिल के आगे तो हम लोग को नेशनल हाईवे मिलेगा, तो वो अगर अच्छा रहेगा तो फिर हम लोग फटाफट लेह पहुँच सकते हैं। कल ये मेरा हॉर्न भी नहीं चल रहा था रात को, सो मैंने आज चेक किया तो उसका सॉकेट थोड़ा लूज़ हो गया था, सो वो फिक्स कर दिया मैंने। भाई कार्ड चलता है ना, कार्ड चलता है ना, ठीक है पेट्रोल फुल कर दो। सो 10 कारगिल 54 किलोमीटर्स एंड ले 258 किलोमीटर्स। सो हम लोग फाइनली कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच गए हैं। यहाँ पे ऐसे बाइक पार्क करके आगे चलेंगे। सो यहाँ पे बाइक पार्किंग कर दिया है, 20 रुपीज़ बाइक पार्किंग है, पेड पार्किंग है यहाँ पे, और अभी हम लोग एंट्री करेंगे आगे। सो कभी कभी यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं करते, अभी अलाउ कर रहे हैं, सुबह मोबाइल अलाउ नहीं था। सो हमारा नसीब है कि मोबाइल कैमरा अलाउ है फिलहाल। सो यहाँ पे आप स्टैचू देख सकते हो, 1971 के वॉर में जो शहीद हुए जवान उनके स्टैचू लगे हैं यहाँ पे। पता नहीं आपको आवाज आ रहा है कि नहीं, बहुत सारा हवा है यहाँ पे, और हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे अपने जितने भी शहीद थे, शहीद आर्मी जवान, उनको यहाँ पे दफन किया था। सो इन्होंने बहुत अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जान का कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो इनको एक बार दिल से सल्यूट। और अभी अभी मैंने बोला जो जान का कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो उसमें सिर्फ जान नहीं आता है, उनका पूरा लाइफ, फिर उनका फैमिली, बच्चे, बीवी, बच्चे, घर वाले, मम्मी डैडी, दोस्त, सबका कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने लिए। वहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं कैमरा में, लेकिन वहाँ पे शायद से स्नोफॉल हो रहा है। फाइटर प्लेन है ये, MiG-21 है, जो अपने वॉर में यूज़ हुआ था। अगर
सो इसका ऑपरेशन सफ़ेद सागर इसी के साथ किया था, और यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये पॉज करके आप पढ़ सकते हो। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वॉर मेमोरियल से, हमारा सब देख के हो गया है, और हम लोग अभी जाएंगे ले के तरफ। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम नहीं लग रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, सो इतना ठंडी नहीं है अभी फिलहाल। द्रास में हम लोग सुबह सुबह उठे थे, अभी 0 डिग्री था, रात को 12 बजे के बाद -2 में गया था। Hug your kids at home, but रह गया, अच्छा कोट था लेकिन मेरा पढ़ने का रह गया क्योंकि स्पीड ज़्यादा था। किसी को अगर ये कोट मालूम रहेगा तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। सो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बट अभी फ़िलहाल तो हमको भूख नहीं लगा है। बाय द वे, ये जो कैमरा आप देख रहे हो सामने, GoPro Hero 9, ये मेरे दोस्त कार्तिक का है। सो थैंक यू कार्तिक फॉर गिविंग मी दिस कैमरा। कारगिल और 17 किलोमीटर बाकी है। दो बाइक्स है, केरला पासिंग है। तो हम लोग अभी कारगिल एंटर कर चुके हैं। अभी कारगिल में हम लोग यहाँ पे रुके लंच के लिए, बिकॉज आगे हम लोग को डाउट है कि लंच मिलेगा, इसके लिए यहीं पे रुक के, ये होटल में रुक के लंच हम लोग ऐसे बाहर ही लगाने के लिए बोला है क्योंकि बाहर थोड़ा मज़ा आएगा। हम लोग ने मंगाया है नूडल्स, फ्राइड राइस, और ये क्या है, फ्राइड राइस और नूडल्स, चिकन फ्राइड राइस। ओके, ये चिकन फ्राइड राइस है। सो हम लोग हैं अभी यहाँ पे होटल में कारगिल हाइट्स, यहाँ पे हम लोग ने लंच किया, और मैं सच में बता रहा हूँ अभी तक जो 4-5 दिन में जो सबसे बढ़िया लंच मिला है मुझे यहाँ पर ही मिला है। सो ये है मैनेजर यहाँ के, विजय शर्मा। तो आप कभी यहाँ पे कारगिल से गुजरते हो तो यहाँ पे ये होटल में ज़रूर आना, मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल के देता हूँ। सो लंच करके हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं ले के लिए। थोड़ा मुश्किल टास्क है, 4 बज गए शाम के, और ले पहुँचने के लिए और मैप पे 4.5 घंटा बता रहा है। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। और आपने कभी पबजी खेला रहेगा तो पबजी में एक मैप है मीरामार, तो ये पूरा पहाड़ सब मीरामार के पहाड़ जैसा ही लग रहा है, और सामने वीकेंडी। अचानक धूप आता है, अचानक छाव आ जाती है, अभी 2 मिनट पहले धूप था।
शाम के 5:40 हो गए और अभी भी ले है 168 किलोमीटर और हम लोग कब से चला रहे डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा है क्योंकि रास्ते रोड कंडीशन अच्छा है लेकिन पूरा कर्व्स है तो उसके वजह से थोड़ा स्पीड कम हो रहा है। एंट्री करना नंबर ठीक है ना, इधर एंट्री करना पड़ेगा नंबर लिखो ठीक है, आगे बाइक रुका के एंट्री कर दो। हिमालयन है 47A तमिलनाडु मुंबई से कहाँ पे जा रहे हो अभी ले जा रहे हो? आपका बाइक शायद से देखा था पीछे मैंने, वहाँ से ही आए आप ना? आई एम राइडिंग फ्रॉम जम्मू, आई ट्रांसपोर्टेड बाई बाइक टू जम्मू बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। सॉरी आई ट्राई टू रीच ले, इफ नॉट देन आई स्टे, आई लुक फॉर सम होम स्टे। There is some monastery also, right? Yes, yes, very, very beautiful. Ramayanu, it's like 60-70 kilometers. चलो दिन श्योर श्योर श्योर। और यहाँ पे एक ट्रक पलटी हो गया है, कैसे आखिर कैसे। सो अभी हम लोग पहुँच गए फोटुला टॉप, यहाँ का एल्टीट्यूड है 13,479 फीट फ्रॉम सी लेवल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लमायुरु। सो कल 6:30 शाम के हम लोग ने हॉल्ट लिया बिकॉज ठंडी भी ज़्यादा थी और अभी 7:30 और अभी का टेम्परेचर यहाँ पे है -3। सो हम लोग को लमायुरु में ये होटल मिला। ये गेस्ट हाउस है। हम लोग ने यहाँ पे एक रूम ले लिया 1200 रुपीज़ फॉर 4 पीपल इज़ रिजनेबल। हम लोग ने वो रूम रेंट में ले लिया और यहाँ पे रात को रुके, डिनर वगैरह सब हो गया। लमायुरु के बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग ले कवर करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो खारदुंगला भी कवर करेंगे अगर एंट्री मिलता है तो। टिल देन वीडियो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और वीडियो अगर देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।